का तेज, पवन की चाल सब मेरे अधीन है। ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप और विष्णु का वैभव सब मेरे आगे फीके हैं। बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक तू, विकराल काल चोर की हुंकार रोक तू, इस पार रोक तू, उस पार रोक तू, आगे न बढ़ने पाओ नदी की धार रोक तू। इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं, कुमार पर चलने वालों की कभी भी भलाई नहीं। भाई साहब, सर्प में अमृत कहा, पाषाण में खंडक कहा, कीच में खुशबू कहा, आग में ठंडक कहा। लाख कोशिश कीजिए बस से बदी जाती नहीं, दुष्ट लोगों से कभी नेकी की बू आती नहीं। आया है ऐसी नीच ताके काम पर, तू है तेरी कीर्ति पर, तू है तेरे नाम पर, डूब कर मर जा कहीं, भाती नहीं सूरत तेरी, चल निकल यहां से, अच्छी जला जाता है दिल मेरा तुम्हारी चिठाई से, भला होगा नहीं कुल का प्रभु की शत्रुताई से, जो मन में घाव था कहा बिल्कुल सफाई से, बुरा हो लाख जन्मों तक कपट रखू जो भाई से। बाली राज को भरने को छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को, उस मौन सहस्रबा होने भी सब शान गिरगिरी कर दी थी। याद करो धनु भंजन को जब सौ बार विनती भर दी थी, तुम जतलाते बारंबार हो, अधिक हटी हूँ अधिक क्रोधी हूँ, बलिहार यह भी कह दीजिए मैं बाली काठ का कैदी हूँ। जो कायर है पयातूर है, वे सच
ही तेरा बना, मेरे पांव पकड़ कर क्यों अपनी शान घटाता है, क्या नहीं पकड़ता पांव उनके, क्या उससे लज्जा खाता है, क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूं, हाँ प्रभु से क्षमा दिलवा दूंगा, बस इतनी कृपा कर सकता हूं। हे लंकेश जान ले करुणा प्रभु की, कल लोक का कल प्यार है, अन्यथा युद्ध का यही चाहते थे, युद्ध और विनाश, रावण दल की संपूर्ण बाधाओं का विनाश, झूठी चक्की झूठी आशा, पल में तोड़ा पल में माता, भारत का संसार भाई बंधु को निवास छोड़कर प्रभु की शरण में आया हूं, हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं विभीषण दशानन रावण का भाई, हे महाराज सब राक्षस माया भी है, ये भी कभी अपना नाश होते हैं, चाहते तो दक्षिण की ओर है और बताते हैं उत्तर की ओर जा रहे हैं, अपमानी को समझाना है, एक अधर्मी को राह पर लाना है, कुछ भी हो परंतु उसे समझ जाना बिल्कुल निराधार है, क्योंकि उसके सिर पर तो अहंकार का भूत सवार है, यह तो ठीक है हमने तो विधि का पालन किया है, वह माने या ना माने यह उसकी इच्छा है, देखिए महाराज वह देखिए संगत जी आ गए हैं, जी रहो, कहो अंकल जी क्या खबर लाए, प्रभु मैंने उसे अनेकों बार समझाया और सब तरह से नीति का भाग पढ़ाया, परंतु वह अपनी हट धर्मियों से बाज न आया, अंत में मैंने अपना पांव भूमि पर जमाया, जिसको आपके प्रताप से लंका का कोई भी वीर हिला ना पाया, धन्य हो हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी, और यहां पर जो वे थे क्या वे उन्हें ही पैगे थे,
महाराज, यह उस राजा के चारों गुण थे जो उसका साथ छोड़कर रामाहल में चले आए। अब रावण साम काम और के सहारे आंखें
और लक्ष्मण अपने प्रिय भाई भक्त तू कहा चल दिया मेरे कानों को सुख देने वाली तेरी मीठी मीठी वाणी सुनकर मैं कृपा करके मेरे प्यारे भाई को संचेत कर दे मैं आपका हर थर के रहूंगा मैं वैद्य दशानंद के घर का किस तरह आपका काम करूं तो होगा जब बैरी को लंका पति के आराम करूं इसमें खास बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए हे राम तुम्हें बताओ कैसे ये अधर्म किया जाए और हाथ विवेक अंत पर है इसलिए छुपे रहना जब तक मैं चली पाप जा रहा हूं उस समय प्रकट होगा भगवान जब संकट तब मिटा दूं मैं मेरी सेवा से पहले यदि दोष निकट चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सब खुशी अंधकार होगा अन्यथा समझ सकता हूं।
हो।